मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं मेडल को। मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें नीरज चोपड़ा अपने माता पिता के साथ दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपना मेडल पहले अपनी माँ के गले में पहनाया और उसके बाद पिता के गले में डाला। मुझे लगता है माता पिता के लिए इससे बड़ा भावुक पल कुछ हो नहीं सकता कि बेटा सफलता के चरम पर है आज। How did javelin happen? You know, tell us the story. हिंदी में पूछ लो जी। हिंदी में पूछे। आपको लगता है कि हिंदी बोलने वालों को थोड़ा कुछ नीचा महसूस या इन्फीरियर महसूस करना चाहिए या आपने एटीट्यूड से कहा? नहीं, क्यों करना चाहिए जी? सभी अगर हम हिंदुस्तान से हैं, हिंदी बोलो, इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसे नहीं बोलते कि मैं मत सीखो, वो भी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी बोलो, उसमें प्राउड फील करो, ऐसी कोई उसमें वो बात नहीं है। अभी बस पूरा फोकस अपना, अभी अगले साल फिर कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप और उसके बाद फिर आगे के टूर्नामेंट और ओलंपिक्स आ जाएंगे। तो तीन साल में पेरिस भी जाना है, एक और गोल्ड भी लाना है। वो तो देखो टाइम पे पता लगेगा जी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे उसके लिए भी, और थोड़ा इस चीज से थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ऐसे सुपरस्टार वाली जो आपने बोला फीलिंग, वो थोड़ा सा ना ही आए तो अंदर वो अच्छा रहेगा। तो कैसे कंट्रोल करेंगे उसको? बस अपनी ट्रेनिंग करूंगा अच्छे से और उसी पे ज्यादा फोकस रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वही चीज एक बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में मतलब ऐसी फीलिंग थोड़ा सा आना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। खतरनाक हो जाता है।